都是多以往从事个人的经济的习惯都是多一些的一个事情我不会没那么的变态都这些时候能保持个人plus रोटीसिंग है ये रोटीसिंग ये इसको ओपन करते हैं दोस्तों पैकिंग की बात करो तो पैकिंग इन्होंने बहुत जबरदस्त दी है देखिए कार्टून इतना इसका बड़ा था और ये थोड़ा विटेज में भी बह गया ताकि जो विंडशील्ड है हमारी उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और विंडशील्ड के ऊपर ही इसमें इन्होंने एक टेपिंग अच्छी तरीके से की हुई है ताकि शोर से नुकसान ना हो चलिए हम इसको मैं ये है डोना 400 की विंडशील्ड ये लगेगी इस तरीके से देखिए दोस्तों ये क्लियर है क्लियर वाइज हमारी इसमें टार भी थी एक स्मोक ग्रिल भी थी तो मैंने ये प्रेफर की और इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये एक बेहतरीन क्वालिटी में है वो मैं करोलबाग पे गया था करोलबाग में मैंने वहाँ पे देखा हालांकि उसका प्राइस कम था लेकिन उसका जो शेप था और जो क्वालिटी थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी तो फिर मैंने वो नहीं ली तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इसके साथ तो आप इसके तो अपनी नंबर प्लेट को एक्सटेंशन कर सकते हैं अपनी विंड से भी कर सकते हैं ऐसे लगाइए इस तरीके से अपने बाइक के जो मेन पॉइंट्स हैं लाइट उनको लगाइए फिर वहाँ से उस नंबर प्लेट को निकाल करके उसके जो दो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर रखिए यहाँ पे निकाल दीजिए जो आपकी नंबर प्लेट है वो एक्सटेंशन हो जाएगी और ये देखिए क्वालिटी भी उन्होंने की बढ़िया है साथ में उन्होंने इसके साथ स्क्रू भी दिया जिससे टाइट होगी तो और पैकिंग की बात करूँ पैकिंग से ज़बरदस्ती है आपको एक स्टेबलाइजर भी ऊपर करके चाहिए इसके साथ स्टेबलाइजर दिया है ये लगता कैसे है ये देखना पड़ेगा मुझे भी शायद ये पोर्शन नीचे रहता है हैंडल पे और ये पोर्शन आपका इसके साथ यहाँ पे शायद इसमें ऐसे करके ये टच हो जाता है जो मुझे पता था मेरा आइडिया है अभी मुझे पता नहीं है तो देखना पड़ेगा कैसे लगेगा ये दोस्तों इसके अंदर देखते हैं ये पोजीशन
ये हैंडल भी लेंगे और इसका मुझे आइडिया नहीं है कैसा लगेगा, ये देखना पड़ेगा लगेगा कैसे। हाँ इसका मुझे आइडिया, ये तो हैंडल में लगेगा, ये शायद इसके अंदर लगेगा, पता नहीं। चलिए दोस्तों मैं इसको भी फिट करने के बाद करूँगा तो उसके बाद बताऊँगा कैसा लगेगा ये यार इसका कैसा लगता है। दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच कार्बन ड्रेसिंग, ये कार्बन ड्रेसिंग से मुझे रेसिप हुआ है। तो वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।